नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की बुक को बेस बनाकर यह जो पर्यावरण की श्रृंखला शुरू की गई थी, यह एक तरह का अभियान है अपने पर्यावरण को, अपनी पारिस्थितिकी को समझने का, अपनी प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कुछ अलग करने का। तो इसको जानने के क्रम में हमने कई वीडियोज देख लिए हैं। यह इस सीरीज का अगला पार्ट है, मतलब अगली कड़ी है। इसमें हम भारत में जो जंगल के प्रकार हैं उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्क्रीन पर आपको ये पीला सा पोस्टर दिख रहा है इसको देख लीजिए। हमारे जो पेड कोर्सेस हैं वो अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं, जिसमें UPPSC, MPPSC और BPSC द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेस चल रहे हैं वर्तमान में। ये टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो दो मोबाइल नंबर आपको रोज ही दिखते हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। सारी बातें पुरानी है, कुछ इसमें रिपीट करने जैसा नहीं है, आप देख रहे हैं। हाँ, वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा बजता ही रहता है, मतलब फ़ोन जो है वो हमेशा उसकी जो मैसेज की टोन है वो बजती रहती है, आप इतना ज़्यादा उस पर नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो हमारा मुख्य टेलीग्राम चैनल है, तो जितनी भी सूचनाएँ होती हैं, जितने भी वीडियोज़ होते हैं या जो भी कुछ आपसे कहना होता है वो सबसे पहले वहीं पर शेयर किया जाता है। तो इस वजह से उसमें लगातार नोटिफिकेशन की भरमार रहती है, तो उससे घबराया ना करिए। फिलहाल चलते हैं आगे। भारत के जो जंगल हैं उन्हें 16 प्रकारों में बांटकर हम देखते हैं, और ये हम नहीं देखते, चैंपियन और सेठ ये दो व्यक्ति हैं, दो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने बांटा है 16 प्रकारों में से, चैंपियन एंड सेठ। इनकी जो अवधारणा है, जब हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को देखने लगेंगे, 2019 वाली जो रिपोर्ट है जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें हम इनकी जो अवधारणा है उसको और विस्तार से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट है उसको आप देखिए, भारत के जो 16 प्रकार के जंगल हैं, मतलब 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन्हें एक एक करके यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ये पहला प्रकार है, इसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, ये आधे सदाबहार होते हैं और आधे दूसरी प्रकृति के होते हैं। इसके बाद नम पर्णपाती वन है, ये उष्णकटिबंधीय ही चल रहा है अभी तक। इसके बाद तटवर्ती जो दलदली वन होते हैं जिनमें कि मैंग्रोव भी आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, मतलब चौथे नंबर के वो प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये पांचवा प्रकार है। उष्णकटिबंधीय कंटक वन, कंटक मतलब क्या होता है, कांटे, तो इस प्रकार के जो वन है इनमें कांटे पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये एक प्रकार है, इसका सातवां। फिर उपोष्ण कटिबंधीय वृहत पर्ण वन, वृहत पर्ण का मतलब क्या, बड़े बड़े पत्तों वाला जो जंगल होता है, मतलब इसके जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, इस प्रकार के जंगलों का यहाँ जिक्र है। फिर उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन ये नौवां प्रकार है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, फिर पर्वतीय नम शीतोष्ण वन, हिमाली या हिमालयी नम शीतोष्ण वन, ये अलग अलग प्रकारों को आप देख रहे हैं, अभी विस्तार से भी देखेंगे। इसके बाद हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन, ये हिमालय वाले क्षेत्र के हैं इसलिए इनके साथ हिमालय शब्द जुड़ा हुआ है। 14वें नंबर पर आप देख रहे हैं उप अल्पाइन वनों को, आद्र अल्पाइन स्क्रब जो होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं उनके बारे में चर्चा है। और 16वां और अंतिम प्रकार है शुष्क अल्पाइन स्क्रब का, यानी अल्पाइन झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पर तीन वर्गीकरण उनका भी है। तो आइए शुरू से देखते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय आद्र सदाबहार वनों का। अब आपको दिख रहा होगा, पिछली बार आपने शिकायत की थी कि स्क्रीन जो है वो काफी, मतलब अक्षर जो है वो काफी छोटे छोटे हैं, तो उसे जरा जूम करके यहाँ दिखाया जा रहा है। पिछले वीडियोस में ये नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अब आगे आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय आद्र सदाबहार वन ये पहला प्रकार है, अपने देश के संदर्भ में हम देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत, यानी जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो जंगल हैं वो पश्चिमी घाट में मिलते हैं। उसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो आद्र सदाबहार वन की बात की जा रही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, भारत के बाकी हिस्सों में ये नहीं मिलते, कुछ ही हिस्सों में पाए जा रहे हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अधिकांशतः मिलते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे ये कारण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये विषुवत रेखा के ज़्यादा निकट है, भारत के बचे हुए भूखंड की तुलना में इसकी निकटता विषुवत रेखा से ज़्यादा है और ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से उसका प्रभाव इस पर रहता है, मतलब वहाँ की जलवायु यहाँ भी मिल जाती है देखने के लिए। ऐसे में यहाँ पर इस प्रकार के वनों का मिलना स्वाभाविक है।
उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों को हम देखेंगे। और एक चीज और, उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन है ये लंबे होते हैं, मतलब इनके जो वृक्ष होते हैं वो लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और सदाबहार पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ये खास बात है। पेड़ों के प्रकारों की अगर बात करें तो इसमें और भी प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, सिर्फ कटहल और सुपारी में इसको वर्गीकृत कर देना ठीक नहीं है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के जो वृक्ष होते हैं, पहली चीज़ तो उनकी लकड़ी बड़ी कड़ी होती है, ज़्यादा वर्षा की बहुलता होती है वहाँ पर, इस वजह से उनकी लकड़ी कठोर होती है। जहाँ वर्षा थोड़ी अपेक्षाकृत कम होती है और तापमान में कमी पाई जाती है वहाँ के वृक्षों की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, ये फैक्ट है। और जो विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु वाले वन होते हैं उनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं और वृक्ष जो हैं वो काफ़ी ऊँचे होते हैं। इनके इनकी प्रकृति के बारे में आपने पीछे देखा है, ये इतने ऊँचे होते हैं कि सूर्य की रोशनी को अंदर जमीन पर आने ही नहीं देते। इसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों को आप देख लीजिए, ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ भी इनकी अवस्थिति मिलती है। और यह जो है ये आर्द्र सदाबहार पेड़ों और नम पर्णपाती पेड़ों का मिश्रण होते हैं, यहाँ पर दोनों प्रकार के वृक्ष मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन को आप देख लीजिए, तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर यह पूरे भारत में पाए जाते हैं। इनका जो विस्तार है, इनका जो वितरण है वो पूरे देश में मिलता है, सिर्फ पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर। साल, सागौन, आम, जामुन और शीशम, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। साल और सागौन के वृक्ष होते हैं, सागौन जिसे कि आप टीक भी कहते हैं। इसके अलावा आम का पेड़, ये तो आपने देखा ही होगा, जामुन का पेड़ और शीशम का पेड़, ये सब वृक्ष जो है हमारे आसपास पाए जाते हैं और ये लगभग पूरे भारत में मिलते हैं। इसके बाद तटीय और दलदली वनों को आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ये कैसे हैं? ये तटीय हैं, तटीय मतलब किनारे पर उगते हैं और दलदली हैं, जहाँ ये उगते हैं वहाँ की जमीन दलदल होती है, वहाँ पर पानी रुकता है। इनके ऊतक नरम होते हैं, नरम ऊतक होने की वजह से ये आसानी से सांस ले सकते हैं, मतलब पानी के अंदर भी सांस लेने की इनकी क्षमता होती है। और मैंग्रोव जैसे जो पौधे होते हैं, मैंग्रोव जैसी जो वनस्पतियाँ होती हैं वो जरायुज होती हैं, जरायुज का मतलब जैसे मनुष्य जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देता है, मतलब अंडे नहीं देता। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक तो अंडज होते हैं, दूसरे जरायुज होते हैं। जैसे पक्षी है तो वो अंडज है और मनुष्य या जितने भी स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स हैं, वो क्या है? जरायुज है। तो उसी प्रकार से ये जो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ होती हैं, ये जो पौधे होते हैं ये जरायुज होते हैं, ये बीज नीचे नहीं गिराते। बाकी जो वृक्ष हैं या वनस्पतियाँ हैं उनके अंदर फल लगते हैं और जो बीज है वो जमीन पर गिरता है और समय पाकर वही जमता है, वो नया पौधा बन जाता है। लेकिन मैंग्रोव में ऐसा नहीं होता, जो बीज है वो पौधे के अंदर ही परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है और पौधे में जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो नीचे जड़ अपनी फैलाना शुरू करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर नमकीन पानी पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है जहाँ ये मिलते हैं, मतलब मैंग्रोव की जहाँ अवस्थिति होती है, क्योंकि समुद्र का वहाँ दायरा होता है और समुद्र का जल कैसा है? खारा है। हालांकि नदियाँ भी जाकर उसमें गिरती हैं, जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ पर मैंग्रोव उगते हैं, या जहाँ एस्टुरी बनती है वहाँ मैंग्रोव उगते हैं, ज्वार नदमुखी जो पारितंत्र होता है। तो ऐसे एरिया में दोनों का मिश्रण पाया जाता है, मतलब मीठे जल का भी और खारे जल का भी। तो खारे जल की यहाँ पर बहुतायत होती है, ऐसे जल में अगर बीज गिर जाएंगे तो नीचे पानी एक तो वैसे ही रुका रहता है और खारा पानी पौधों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता, तो वो नष्ट हो सकते हैं या नष्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में पौधे बड़े चालाक होते हैं, तो वो अपने जीवटता को बचाए रखने के लिए, मतलब अपनी जो विविधता है उसको बचाने के लिए पौधों को अंदर ही, मतलब जो बीज है उनको अंदर ही परिपक्व कर देते हैं। जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं, खाने पीने योग्य हो जाते हैं, अपने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब वो अपनी जमीन में जड़ें फैलाते हैं। इस प्रकार के होते हैं मैंग्रोव। इनके ऊतक नरम होते हैं, ये पानी में भी सांस ले सकते हैं, मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबे रहने पर भी श्वसन करने में सक्षम होती हैं। पौधे जो हैं वो पत्तियों से श्वसन करते हैं और यहाँ पर जो ऊतक हैं उनके नरम पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को आप देखिए, तो पूर्वोत्तर भारत के अलावा देश के पूरे उत्तरी भाग में ये पाए जाते हैं, और उत्तरी ही नहीं लगभग काफ़ी क्षेत्रों में इनका विस्तार होता है। पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें भी, जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का वहाँ भी ये मिलते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु। साल, बबूल और बांस के पेड़, बबूल का पेड़ बहुत कांटेदार होता है और बांस के वृक्षों को आपने देखा होगा, ये एक लगा दीजिए तो अनेक पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है।
कंटक वनों को आप देख लीजिए, तो जहां काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्य और दक्षिण भारत, लगभग पूरे भारत में इनका विस्तार होता है। ये कहीं भी उग सकते हैं, जैसे कि कैक्टस, कैक्टस को आप गमले में लगा दीजिए तो आपके घर में भी रहेगा। तो इसके लिए कोई विशेष जलवायु नहीं चाहिए होती, लेकिन हाँ एक चीज़ है, जो कांटेदार वन होते हैं उनके लिए मरुस्थलीय जलवायु ज़्यादा उपयुक्त होती है, जैसे कि कैक्टस और नागफनी, ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा अच्छे से पैदा होते हैं। और जब आप इन्हें गमले में रोपते हैं तो इनके लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की नहीं बल्कि बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर बालू होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से पनपेंगे नहीं। उनका अच्छा विकास तभी होगा जब उसमें रेत की मात्रा होगी, मतलब शुष्क मिट्टी की इन्हें ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी देने पर ही ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के जो वृक्ष हैं या पौधे कहना ज़्यादा उचित होगा, वो पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों को आप देखिए, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तट पर इनका विस्तार मिलता है। उपोष्णकटिबंधीय वृहद पर्ण वनों को देख लीजिए, तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट में और साइलेंट वैली में यह पाए जाते हैं, यानी इनकी अवस्थिति मिलती है। साइलेंट वैली में भी ये पाए जाते हैं। अब आप बताइएगा कि साइलेंट वैली कहाँ पर है। दोनों क्षेत्रों में वनस्पति के रूप में एक स्पष्ट अंतर है। ये जो दोनों क्षेत्र होते हैं, मतलब दोनों क्षेत्रों का नाम आपने ऊपर देखा, तो यहाँ पर वनस्पति का जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है। और एक जैसा नहीं होने का कारण क्या है, कहाँ हिमालय वाला क्षेत्र और कहाँ पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। अब साइलेंट वैली में पोनसपार, दालचीनी, इस तरह की जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं, और भी हैं, रोडोडेंड्रोन है, ये वनस्पतियों के नाम हैं, थोड़े विचित्र हैं लेकिन उनके नाम हैं। और इसके अलावा जो सुगंधित घास होती है, मतलब सुगंधित वनस्पतियाँ कहना ज़्यादा उचित होगा, वो पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय में शिफ्टिंग खेती और जंगल की आग से वनस्पतियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर शिफ्टिंग वाली कृषि होती है, यानी एक जगह की ज़मीन बंजर हुई तो उसके बाद उसको छोड़ दिया और आगे चले गए। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उगने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं, उसमें ओक का पेड़ है, एल्डर है, शाहबलूत है और चीड़ का पेड़ भी होता है। यहाँ आग लगाने वाली जो घटना है या आग लगने वाली जो घटना है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय पाइन वनों को देख लीजिए, चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत तेज आग पकड़ती हैं। खड़ा पेड़, मतलब एकदम हरा और खड़ा सही सलामत पेड़, एकाएक सुलग जाएगा अगर जरा सा भी आग का उसको संपर्क हुआ तो। इसकी पत्तियों में तैलीय पदार्थ की उपस्थिति होती है जिस वजह से ये बहुत तेज जलने लगते हैं। ऐसे ही यूकेलिप्टस भी होता है, यूकेलिप्टस की भी जो पत्तियाँ हैं उनमें तेल पाया जाता है। और देखिए उष्णकटिबंधीय पाइन वनों को देख लीजिए, शिवालिक की पहाड़ियाँ, पश्चिमी और मध्य हिमालय, खासी, नागा और मणिपुर की पहाड़ियों में जो सूखी ढलान है, सूखी ढलान का मतलब है कि यहाँ पर आर्द्रता की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, ऐसी ढलानों में ये पाए जाते हैं। जो क्षेत्र है उनका नाम आप देख लीजिए। देखिए इसके बाद इसमें जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो चीड़ है, इसके अलावा ओक का पेड़ है, रोडोडेंड्रोन है, देवदार के वृक्ष भी यहाँ मिलते हैं। ये पर्वतीय इलाके होते हैं तो यहाँ पर देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। साल, अरनाला और लेबरनम के जो वृक्ष हैं वो निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो साल, अरनाला और लेबरनम है, इन्हें अपेक्षाकृत ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि नीचे की ओर जब आप बढ़ेंगे, कोई भी पर्वत का ढाल है, जैसे मान लीजिए ये हिमालय की कोई पर्वत श्रृंखला है, तो ऊंचाई की ओर, मतलब ऊपर की ओर आर्द्रता कम होगी, और जैसे जैसे हम घाटी की ओर बढ़ेंगे, मतलब तराई क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे जो कि गिरिपथ क्षेत्र कहलाता है, तो वहाँ जाने पर आर्द्रता की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है। तो अपेक्षाकृत ये ज़्यादा आर्द्रता की मांग रखने वाले वृक्ष हैं, जिनमें आपने देखा साल, अरनाला और ये लेबरनम। इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों को देखिए, तो इनकी जो अवस्थिति है वो शिवालिक की पहाड़ियों में मिलती है। शिवालिक वाला क्षेत्र कैसा है, तराई क्षेत्र होता है, मतलब वहाँ नमी जो है वो महान हिमालय की तुलना में अधिक होती है, लेकिन मृदा अपरदन की जो सबसे ज़्यादा घटना है वो शिवालिक वाले क्षेत्र में ही देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम बहस करेंगे। फिलहाल देखिए पर्वतीय नम शीतोष्ण वन, ये अगला प्रकार है, यानी 11वां प्रकार है। यह उत्तर के घने जंगल है, मतलब उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 मिलीमीटर के आसपास की जो वर्षा है उसमें ये उगते हैं, उसमें इनके उगने की संभावना होती है। दक्षिण में नीलगिरी हिल्स, यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और केरल में जो ऊंचे क्षेत्र हैं, जो ढालू क्षेत्र हैं वहाँ नहीं, जो ऊंची भूमि है या उच्च भूमि है वहाँ पर ये उगते हैं। इसके बाद हिमालयी नम शीतोष्ण वनों को आप देख लीजिए, ये 12वां प्रकार है। ये सब फैक्ट है, फैक्ट को हम लोग एक लगातार देख रहे हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या भी करेंगे। देखिए पश्चिमी हिमालय से
पूर्वी हिमालय तक इनका विस्तार होता है। ये जो हिमालयी नम शीतोष्ण वन है इनके बारे में चर्चा हो रही है, तो पश्चिमी हिमालय से लेकर पूर्वी हिमालय तक ये फैले होते हैं। पेड़ों के नाम पर यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्ते वाले ओक के वृक्ष हैं, ओक के वृक्ष के पत्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, उनको जैसी जलवायु मिलती है उसके हिसाब से उनके पत्तों का आकार होता है। ये एकदम ऐसा नहीं फिक्स है कि किसी पेड़ के पत्ते का आकार जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, उसको जैसी खुराक मिली और जैसी अनुकूल जलवायु मिली उसी के हिसाब से उसके पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ प्रजातियाँ जो है वो बड़े पत्तों वाली होती हैं, तो प्रजातियों का भी अंतर होता है और जलवायु पर भी निर्भर करता है। तो फिलहाल यहाँ पर बड़े बड़े पत्तों वाले, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, और पर्ण मतलब पत्ता, तो इस प्रकार के ओक के वृक्ष मिलते हैं। भूरा ओक मिलता है, ये वैरायटी है इसी की। इसके बाद अखरोट के पेड़ मिलते हैं, वालनट के जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं, रोडोडेंड्रोन पाया जाता है। ये सब वृक्षों के यानी वनस्पतियों के प्रकार हैं। इसके बाद हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन, ये अगला प्रकार है यानी 13वें नंबर का है। लाहौल, सिक्किम और किन्नौर वाले क्षेत्र में ये मिलता है। यहाँ पर ओक और मैपल के पेड़ उगते हैं। मैपल का पेड़ बड़ा खूबसूरत होता है, रंग बिरंगी पत्तियों से सजा रहता है, सजावटी पेड़ होता है। उसमें फल जो है वो बहुत कम लगते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, केवल और केवल पत्तियाँ होती हैं और पत्तियाँ बहुत ही रंग बिरंगी होती हैं। इसके बाद उप अल्पाइन वनों को देख लीजिए, तो कश्मीर से अरुणाचल तक यानी उत्तर वाला जो क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ से लेकर पूर्वोत्तर तक इनका विस्तार होता है। और इस प्रकार के पेड़ों में जूनिपर और रोडोडेंड्रोन टाइप की जो वनस्पतियाँ होती हैं ये पाई जाती हैं। भारी वर्षा होती है और उच्च आर्द्रता होती है, तो जैसे जैसे हम पूर्वोत्तर की ओर मूव करते हैं यानी बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है क्योंकि वहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। 15वें नंबर पर आप देख रहे हैं आर्द्र अल्पाइन स्क्रब को। स्क्रब का मतलब क्या, झाड़ियाँ। तो यह हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। पहली चीज, घने सदाबहार वनों का इसमें विस्तार होता है और रोडोडेंड्रोन और बर्च जैसे वृक्ष मिलते हैं। बर्च के जो वृक्ष होते हैं ये कीचड़ और दलदल में उगते हैं और इनकी जो जीवन अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ये खड़े खड़े ही सड़ने लगते हैं और फिर उसी दलदल में गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका कुछ खास उपयोग नहीं होता, इनकी लकड़ी निरुद्देश्य होती है। हालांकि अगर आयुर्वेद की हम बात करें, जो कि काष्ठ औषधियों पर आधारित विद्या है, चिकित्सा का एक शास्त्र है जो कि भारत में सबसे प्रामाणिक था प्राचीन समय से ही, तो आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी वनस्पति बेकार नहीं होती, हर वनस्पति का उपयोग है। तो इसलिए हम बर्च को भी एकदम से निरुद्देश्य नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये जैव विविधता में कोई खास योगदान नहीं देता, इसलिए यहाँ पर इसका कोई उद्देश्य नहीं है। काई और फर्न, ये जमीन को घेरे रहते हैं, तो काई और फर्न वहीं पैदा होंगे जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी और भारी मात्रा में हिमपात होता है। हिमालयी क्षेत्र है तो हिमपात होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार के जो वन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। इसमें काई और फर्न ये जमीन पर होते हैं और बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके नाम पर रोडोडेंड्रोन और बर्च के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन स्क्रब को देख लीजिए, जो कि 16वां और अंतिम प्रकार है। इनमें जो पौधे मिलते हैं वो काला जूनिपर होता है, ड्रोपिंग जूनिपर होता है और हनीस्कल, इसके अलावा विलो, इस प्रकार की जो अजीब अजीब वनस्पतियों के नाम आप देख रहे हैं ये इस क्षेत्र में उगती हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई इन 16 प्रकारों की, अब आइए चलते हैं थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जब हम अपनी प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में उत्सुकता जगती है और जब उसके रहस्य एक के बाद एक हमारे सामने आने लगते हैं, मतलब रहस्य उजागर होने लगते हैं, तो हमारा मुंह बिल्कुल ऐसे ही खुला रह जाता है जैसे इस लंगूर का है। इस लंगूर को आप देख रहे हैं और इसका मुंह देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी तरह से आश्चर्यचकित है। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है जब प्रकृति के रहस्य हमारे सामने आते हैं। तो हमारी जो नेचर है वो रहस्यमयी है और उसी से जुड़ा हुआ है हमारा पर्यावरण। तो हम देख रहे थे जंगलों के बारे में, तो यहाँ पर आपने लंगूर को देखा, ये जंगल का ही एक हिस्सा है, जंगली जीव जो है वो जंगल से जुड़े होते हैं। चलते हैं आगे। अब भारत के जो जंगल हैं, भारत के जंगलों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो भारत के जो जंगल हैं वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। वर्षा कैसी हो रही है इस पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। जिन भागों में भारी वर्षा होती है वहाँ पर वन घने होते हैं, और सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले और कम वर्षा वाले जो मतलब खुले वन पाए जाते हैं, सघनता कम होने लगती है। कहने का मतलब ये है, जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ बहुत सघन वन पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी कमी आ जाती है वहाँ थोड़ी इनकी विरलता होने लगती है, मतलब दूर दूर उगते हैं, और जहाँ एकदम ही कम हो जाती है वर्षा की मात्रा वहाँ पे कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसको अगर हम सामान्य रूप से मोटे तौर पर वर्गीकृत करें, वो 16 प्रकार तो बहुत विस्तार से उनका वर्गीकरण था, तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जो प्रकार हैं इनके बारे में आपने पीछे देखा है, जब चैंपियन और सेठ का वर्गीकरण आपने देखा
तो उसमें हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का भी प्रकार ये भारत में मिलता है, जिन्हें कि आप ट्रॉपिकल इवरीग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इवरीग्रीन क्यों? क्योंकि ये हमेशा हरे रहते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं, अब यहाँ उसका विस्तार से आप व्याख्या देख लीजिए, सुन लीजिए बल्कि, ये उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान विशेष रूप से ऊंचा होता है, और तापमान ऊंचा होगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ने का रीज़न वर्षा होती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा होती है। वर्षा की जो मात्रा है वो इन क्षेत्रों में, ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, इनमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं, इसी कारण इन्हें सदाबहार कहा जाता है, इनमें हरियाली हमेशा रहती है। और इनमें जो वृक्षों का साइज होता है वो 45 से लेकर 60 मीटर तक का होता है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। जो वृक्षों का आकार होता है वो 45 से लेकर 60 मीटर तक का होता है, और भी ऊंचे हो सकते हैं, ये एक औसत आकार की बात की गई। और इस प्रकार के जंगल में मुख्य रूप से ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। ताड़ का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी ऊंचा होता है। महोगनी का वृक्ष मिलता है, महोगनी मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्ष ये भी होते हैं। नारियल का वृक्ष मिलता है, नारियल के पेड़ को आपने अगर वास्तविकता में नहीं भी देखा होगा तो चित्रों में देखा होगा। इसके अलावा एबोनी, एबोनी यानी आबनूस का वृक्ष मिलता है, और बांस और बेत के जो वृक्ष हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। और इन सभी वृक्षों की जो ऊंचाई है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, लगभग जो औसत ऊंचाई होती है वो 45 से लेकर 60 मीटर के आसपास होती है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होगी। अब प्रश्न ये है कि ये भारत में कहाँ तक, मतलब किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो भारत में इस प्रकार के वन जो हैं वो 45 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में उगे हुए हैं। जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 45 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये उगे हुए हैं। इनका जो विस्तार है वो इन क्षेत्रों में है। नाम अगर आप जानना चाहें उन स्थानों का तो असम में है, असम में आपको इस प्रकार के जो सदाबहार वन है वो मिल जाएंगे। मेघालय में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और हिमालय का जो गिरिपद वाला इलाका है यानी तराई क्षेत्र है वहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो कर्नाटक का पश्चिमी भाग है, कर्नाटक का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ भी इनका विस्तार मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी इतनी तारीफ हो रही है, जहाँ जहाँ ये फैले हुए हैं उनके बारे में इतना वर्णन किया जा रहा है, तो इनकी विशेषता क्या है? सिर्फ ये ऊँचे ऊँचे और सघन ही होते हैं, इनके अंदर क्या खूबी होती है जिसकी वजह से हम इन्हें पढ़ें? तो देखिए, ये घने होते हैं, पहली चीज़ आपने सुनी ही है, और इनमें बहुरूपता पाई जाती है, यानी विविधता बहुत ज़्यादा होती है, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कठोर लकड़ी पाई जाती है, ये बात आप पीछे सुन चुके हैं। जितने भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले वृक्ष होते हैं, मतलब उनकी प्रजाति होती है, इनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और तापमान उच्च रहेगा वहाँ के वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होंगी। इसके साथ साथ हजारों प्रकार के वन्य प्राणी यहाँ मिलते हैं, स्वाभाविक है इतने ज़्यादा सघन जंगल होंगे तो बहुत सारे जीव यहाँ पाए जाएंगे, अनेकों। कुछ के बारे में हम जानते हैं और कुछ को हम जानते ही नहीं हैं। अभी तक नई नई प्रजातियाँ आप देखते होंगे, कीट पतंगों की खोजी जाती रहती हैं, और कीट पतंग ही नहीं, जो प्राणी है मतलब चौपाया, उस प्रकार के भी प्राणी खोजे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें खोज लगातार जारी रहती है, और नए नए जीव हमारे सामने आते हैं जिन्हें हमने इससे पहले कभी देखा नहीं था। और भारत में तो इनका बहुत सीमित प्रकार मिलता है, लेकिन विषुवत रेखा के आसपास वाले जो विषुवत रेखीय वन हैं वो तो बड़े रहस्यमयी हैं। कब कौन सा रहस्य उजागर होगा? वो लंगूर जैसे मुंह खोल दिया था ना, वैसे ही आपका मुंह खुला रह जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। चलिए, और इसके अलावा हजारों प्रकार के वन्य प्राणी, ये तो आपने देखे ही, दलदली भूमि मिलती है, कहीं कहीं दलदली भूमि होती है, और महत्व सीमित होता है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाता। हालांकि लकड़ी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी इनकी उपयोगी होती है, कठोर लकड़ी होती है तो मजबूती उसमें होती है, ये आपने देखा। अब इसके बाद जो दूसरा मुख्य प्रकार है, ये मोटे वर्गीकरण को हम देख रहे हैं, अभी जो विस्तृत वर्गीकरण था उसको हमने देख लिया है। दूसरा जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वनों का। ये पतझड़ वाले वन है, ये सदाबहार नहीं है, इनमें पतझड़ आता है। तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं। इस चित्र में आप इन वनों का वितरण देख रहे हैं, हमारे देश में ये वन कहाँ कहाँ और कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं इसका वितरण आप देख पा रहे हैं। नक्शा बना हुआ है और उसमें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पैटर्न से दर्शाया गया है कि किस प्रकार के वन कहाँ हैं। तो जो एकदम काला वाला एरिया है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सदाबहार वनों का है। ये जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ इस पूरे नक्शे में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, ये पश्चिमी घाट वाला जो रेंज है ये पूरा क्या है? सदाबहार वनों का है। इधर भी कुछ एरिया है, इधर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में देख रहे हैं, और पूर्वोत्तर वाला जो इलाका है वहाँ भी आप इन सदाबहार वनों को देख सकते हैं। यहाँ मैप के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है,
इसके बाद जो ये ईंटों जैसा स्ट्रक्चर है, ईंटों जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये कांटेदार वनों की, ये जहां जहां दिखेगी वहां वहां कांटे वाले वृक्ष उगते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो देखिए कांटेदार वन कहाँ मिलेंगे, जहां वर्षा का औसत जो प्रतिशत है वो कम होगा, मात्रा कम होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ राजस्थान वाला जो एरिया है, जो पश्चिमी क्षेत्र है एकदम भारत का, उधर ये पाए जाते हैं। बीच में जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, इसमें भी मिलते हैं। यहाँ पर इन दो स्थानों पर आप देख रहे हैं कि ये कांटेदार वन मिलते हैं, मतलब कांटेदार वनों की उपस्थिति पाई जाती है। पहाड़ी वनों के लिए यहाँ पर एकदम प्लेन वाला जो एरिया है वो दर्शाया गया है, जो एकदम सपाट है, जिस पर कि कोई भी पैटर्न नहीं बना हुआ है। तो पहाड़ी वनों के लिए ये वाला सिंबल है। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ पर है कुछ इलाका, और इसके अलावा ये देखिए जो एकदम उत्तरी क्षेत्र है भारत का, एकदम ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ वाला, यहाँ पर पहाड़ी वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ उपस्थित होती हैं। इसके बाद पतझड़ वाले जो वन हैं उनके लिए ऐसे खड़ा पैटर्न है, खड़ी खड़ी धारियाँ हैं। तो पतझड़ वाले वनों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह का जो खड़ी रेखाएं हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अभी कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं उनके भी नाम हम देखेंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, यहाँ मैप में आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर पतझड़ वाले वन मिलते हैं जिनकी पत्तियाँ एक खास मौसम में झड़ जाती हैं। ये सदाबहार वनों की तरह हमेशा हरे भरे नहीं रहते, कभी कभी ये बिल्कुल गंजे हो जाते हैं और फिर एकदम से उनकी खेती जो है वो भर उठती है। तो कुल मिलाकर ये पतझड़ वाले वन है। इसके बाद कुछ डेल्टाई वन भी होते हैं। तो डेल्टाई वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर डेल्टा होगा, और डेल्टा कहाँ बनता है ये आप जानते ही हैं, ये वाला एरिया यहां पर बनता है डेल्टा। कृषित भूमि कहां पर है, तो कृषित भूमि वहां पर पाई जाएगी जहां गंगा यमुना का तराई क्षेत्र होगा या मैदानी क्षेत्र होगा। तो कृषित भूमि और पतझड़ वन, इनका जो विस्तार है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है, और कहां फैला है ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया है। ये जो टेढ़ा पैटर्न आप देख रहे हैं ना, तिरछा तिरछा, ये वाली कृषित भूमि है। और इसके अलावा वहां पर पतझड़ वन उगते हैं, मतलब पतझड़ प्रकार के जो वृक्ष हैं, पतझड़ करने वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये पतझड़ वनों का है और कृषित भूमि का क्षेत्र है। इसके अलावा जो डेल्टाई वन है वो कुछ इस इलाके में भी मिलते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीच वाला क्षेत्र। ये तो था पूरा वनों का विस्तार, और भारत के नक्शे पर हमने इसे देखा, क्योंकि हम भारत के ही वनों को देख रहे हैं। अब आइए इसे और आगे देख लेते हैं। हमने सदाबहार वनों की विशेषता देखी, अब इसके बाद उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वाले वन है, पतझड़ वाले वन जो कि उष्णकटिबंधीय है, ये देखिए ये वाले वन जो है, इनकी बात हो रही है, तो इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब ये जो वन है ये भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का जो प्रतिशत है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के लगभग का होता है, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है, इसके बीच की पाई जाती है, इससे ज्यादा नहीं। और हमने देखा है कि जो सदाबहार वन है उसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इससे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो वहाँ उगते हैं। अब ये जो पतझड़ वाले हैं इनमें वर्षा की मात्रा आप देख रहे हैं कम हो गई। ये जो वन होते हैं, इस प्रकार के जो वन हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पतझड़ वाले खड़े पैटर्न वाले आपको दिखेंगे इस एरिया में, ये आप नक्शे में देख पा रहे हैं इस वाले इलाके में है। तो ये गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यहाँ उगने वाले जो वृक्ष होते हैं वो पतझड़ करते हैं, और पतझड़ कब करते हैं, गर्मी की शुरुआत में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले मानसूनी वन कहा जाता है। अब ये जो वृक्ष हैं ये ज़्यादा लंबे और सघन नहीं होते, वर्षा ज़्यादा नहीं होती तो इसलिए इनमें सघनता भी नहीं पाई जाती, और ये लंबे भी ज़्यादा नहीं होते, इनकी उतनी हाइट नहीं होती। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, इसके अलावा हरड़ और बहेड़ा के जो वृक्ष होते हैं, आंवला का जो पेड़ होता है, ये सब पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं, साल का वृक्ष है, सागौन का वृक्ष है, इसके अलावा सीसम का पेड़ है, चंदन का पेड़ भी कभी कभी, हालांकि चंदन का पेड़ जो है वो कर्नाटक वाले एरिया में उगता है फिलहाल, आम, साखू, हरड़ और बहेड़ा, इसके अलावा आंवला, महुआ और हल्दी के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वनों का विस्तार है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में पाया जाता है। मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया है। इसमें जो कुछ वृक्षों के नाम आपने सुने वो व्यवहारिक नहीं है, जैसे चंदन का वृक्ष है वो इनमें आता तो है लेकिन वो उगता एक खास क्षेत्र में ही है, वो उत्तरी इलाकों में नहीं उगता, वो प्रायद्वीपीय जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पर उगता है। इसके बाद
इन वनों की जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है, लेकिन मुलायम होने के साथ साथ मजबूत और टिकाऊ होती है। मुलायम चीज़ लचीली होती है, और लचीली होगी तो मजबूत होगी, वो टिकाऊ होगी। और भारत में लगभग 220 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के वन फैले हुए हैं। 220 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहाँ पर, मतलब इतने बड़े दायरे में, आप इसका विस्तार वैसे भी देख रहे थे नक्शे पर, इतने बड़े दायरे में ये जंगल फैले हुए हैं। अब जो पतझड़ वाले वन हैं उनकी क्या खासियत होती है, तो उनकी विशेषता होती है कि ये कम और मतलब कम लंबे होते हैं और खुले होते हैं, इनमें सघनता नहीं होती। समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष पाए जाते हैं, इनमें बहुरूपता नहीं होती, एक समानता होती है, एक जैसे होते हैं। इनका जो व्यावसायिक महत्व है वो ज़्यादा होता है। जो आर्द्र सदाबहार वाले वन थे, मतलब विषुवतरेखीय वन थे, उसमें हमने देखा कि उनका व्यावसायिक महत्व बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इनका महत्व होता है क्योंकि इनकी लकड़ी टिकाऊ होती है। देश में सर्वाधिक महत्व वाले जो वन हैं वो यही हैं। कौन? तो ये पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। इसके अलावा और क्या महत्व हो सकता है? तो इसमें जो है चारागाह और कच्चे माल का मिलना, ये भी इनका एक बढ़िया महत्व है। चारागाह की भी उपस्थिति होती है। क्यों ऐसा होता है? तो चारागाह वहीं पाए जाएंगे जहाँ घास के मैदान होंगे, और यहाँ इनका विस्तार और जो वितरण है वो सघन नहीं होता, दूर दूर उगते हैं, थोड़ा उतनी सघनता नहीं होती जितनी विषुवतरेखीय वनों की होती है। इस वजह से घासें उगने के लिए जगह बनती है, सूर्य का प्रकाश जमीन पर पहुँचता है, और वर्षा की मात्रा एक सीमित होती है, औसत मात्रा में वर्षा होती है, इस वजह से यहाँ घास भी पाई जाती है, तो चारागाह का भी विस्तार होता है। इस प्रकार से हमने पतझड़ वनों को देखा। अब देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पतियाँ, माफ कीजिएगा, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पतियाँ हैं उनको। शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वनस्पतियाँ हैं, मतलब जो कांटेदार वन हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें देख लेते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं वो भारत के शुष्क हिस्सों में पाए जाते हैं। शुष्क हिस्सा मतलब जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वृक्षों को वाष्पीकरण और पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे दे दिए। यहाँ पर जो पौधे हैं वो वाष्पीकरण ज़्यादा ना कर दें, जिससे कि उनके अंदर जो जल संचित है उसका ह्रास हो जाए, इसके लिए प्रकृति ने उन्हें छोटे छोटे कांटे दिए हैं, और पत्तियों की मात्रा बहुत सीमित होती है। और जो पशु हैं यहाँ पर चरने वाले, उनसे बचाने के लिए कांटे होते हैं, तो कांटे चुभ जाते हैं, पशु उन्हें नहीं खाते, इस प्रकार से इनकी सुरक्षा हो जाती है। इनकी छाल मोटी होती है, ये मोटी छाल वाले होते हैं, और गर्मी से रक्षा करने के लिए ये काम देती है, क्योंकि जब जो ऊपर की परत है, तने के ऊपर जो छाल होती है वो मोटी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो वृक्ष है उनकी गर्मी से सुरक्षा होगी। इसमें बबूल, खजूर, नागफनी, इसके अलावा खेजड़ा, रीठा, रीठा एक प्रकार की वनस्पति होती है, केर, बेर और आंवला। आंवले में हालांकि कांटे नहीं होते, लेकिन वो भी यहाँ पे इस इलाके में उग जाता है, इसलिए हम देख रहे हैं। रोहिड़ा और करील के वृक्ष उगते हैं। करील यानी कीकर का वृक्ष उगता है, इसमें बहुत कांटे होते हैं। तो इस प्रकार के वृक्ष कहाँ उगेंगे, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी। तो आप यहाँ नक्शे में देख रहे हैं कांटेदार वनों वाला क्षेत्र कौन कौन सा आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो पश्चिमी इलाका भारत का है, जिसमें राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया आता है, और ये बीच में जो प्रायद्वीपी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको इनका पैटर्न दिख रहा है। इनका नाम देख लेते हैं, तो राजस्थान में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, मतलब ये जो वन है कांटेदार वाले, जिनमें कांटे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये कहाँ कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, मध्य प्रदेश और भीतरी कर्नाटक में इनकी अवस्थिति होती है। मूल रूप से जो इनका विस्तार है वो राजस्थान और गुजरात में इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये बातें हुई। अब जो मरुस्थलीय वन है, मरुस्थलीय वन का मतलब यही, जो कांटेदार वन है, इनकी विशेषताएं होती हैं, इनकी भी अपनी विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? तो सबसे बड़ी बात, तो कांटे पाए जाते हैं, और ये वनों में, मतलब इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए और कांटेदार कम पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं। इनकी पत्तियां काफ़ी कम होती हैं और कांटे पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है, इतनी कांटेदार लकड़ी और किसी काम में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो केवल ईंधन के लिए यूज़ की जाती है। और खजूर, रोहिड़ा, बबूल, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। इनका अपना उपयोग है, जैसे खजूर का फल के लिए इस्तेमाल करते हैं, खजूर की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे पंखे बनते हैं, हाथ से झलने वाले पंखे होते हैं। बबूल के वृक्ष का भी अपना इस्तेमाल होता है। तो निरुद्देश्य कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी का कोई उपयोग ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोगी वन थे वो पतझड़ वाले वन थे। अपने देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो लकड़ियाँ थी वो इन्हीं वनों की थी। ये तो बात हुई जो मरुस्थलीय वन थे उनकी। इसके बाद डेल्टाई वनों को देख लीजिए। जो डेल्टाई वन होते हैं वो कैसे होते हैं? इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर ये मिलते हैं।
डेल्टाई भूमि समतल और नीची होती है, उनमें जो ढलान है वो ज़्यादा होती है और वो समतल होती है। नदियों का जल यहाँ धीरे धीरे बहता है और यहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। आप इन्हें इस नक्शे में देख लीजिए। देखिए डेल्टाई वन कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये आप छोटा सा देख रहे हैं। तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, आप जानते हैं। यहाँ नदियाँ जो है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर खारे और मीठे जल का मेल होता है, ऐसा संक्रमण क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। और इसमें उगने वाले जो वन होते हैं वो ज्वारीय वन कहलाते हैं, या डेल्टाई वन भी इनको कहते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की जो लकड़ियां हैं वो कठोर और जो छाल है वो क्षारीय हो जाती है, मतलब इनकी जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में और जो छाल होती है उसका उपयोग अलग अलग चीज़ों में किया जाता है, खासतौर पर चमड़ा को पकाने और रंगने में किया जाता है, मतलब ये औद्योगिक उपयोग है। वैसे तो नाव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़े पैमाने पर कटाई भी हो रही है, जिससे कि इनकी जो विविधता है उस पर संकट मंडरा रहा है। अब इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव के पौधे होते हैं, गोरेन होता है, ताड़ का वृक्ष भी इसमें उगता है, कैसुरीना है, नारियल के वृक्ष हैं, फोनिक्स है, नीपा है और सुंदरी के वृक्ष हैं। सुंदरी का वृक्ष सुंदरवन डेल्टा आपको याद होगा, उसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष बहुतायत होते हैं। तो इस प्रकार के वृक्ष यहाँ उगते हैं। और ये जो वन है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टा हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ इस प्रकार के वन मिलते हैं, बशर्ते जो सागरीय जल है उससे इनका मेल होना चाहिए। खारा पानी मिलेगा तभी इनके अंदर वैसी प्रकृतियाँ विकसित होंगी। डेल्टाई वनों की विशेषता क्या है, तो डेल्टा या दलदली क्षेत्र के ये सदाबहार वन होते हैं, यह भी सदाबहार प्रकार के ही होते हैं। इनमें पतझड़ बहुत कम होता है या नहीं पाया जाता। कठोर लकड़ी होती है और जो छाल है वो क्षारीय होती है। कठोर लकड़ी और लचीलापन इनमें बहुत पाया जाता है, ये काफ़ी लचीले होते हैं, इसी वजह से इनका उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ये दुर्गम वन होते हैं, इनके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते, आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, ये काफ़ी उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनका जो उपयोग है वो काफ़ी सीमित है। भारत में इन्हें सुंदरवन भी कहा जाता है। सुंदरवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी के वृक्ष यहाँ बहुतायत मिलते हैं। तो ये तो बात हुई डेल्टाई वनों की, और डेल्टाई वन वहाँ मिलते हैं जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा विस्तृत मात्रा में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले वन के प्रकार पर। आप देख लीजिए पर्वतीय वनों को, जो माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। जो पर्वतीय वन है उनका विस्तार कहाँ है, आप सिर्फ और सिर्फ इस मैप में यहाँ पर देख रहे होंगे, इनका जो विस्तार है वो हिमालयी क्षेत्र में होता है। इसे आप जूम करके देख लीजिए, ये देखिए इनका जो विस्तार है वो सिर्फ हिमालयी क्षेत्र में होता है। यहाँ पर ये पर्वतीय वन है तो स्वाभाविक है जहाँ पर्वत ऊंचाई पर मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे वहाँ पर ये उगेंगे। इनकी विशेषता जो होगी वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लीजिए कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं, ये बात आपने देखी, और इनका जो विस्तार है वो असम से कश्मीर तक होता है। ये विस्तृत तो फैले हुए ज़्यादा है ही है, मतलब असम से कश्मीर तक फैले हुए हैं, लेकिन इनका जो मुख्य भाग है वो आप यहाँ पे रेड इंक से गोले में देख रहे हैं, वो मुख्य क्षेत्र है। ऊंचाई के साथ साथ इनमें परिवर्तन आता है, इनमें बदलाव आता है, जैसे जैसे ऊंचाई बदलती है इनकी जो प्रकृति है वो भी बदलती जाती है, और जलवायु के तत्वों की मात्रा में भी अंतर आता है। अब हिमालय पर जो 1500 मीटर की ऊंचाई है वहाँ पर सदाबहार और पतझड़ वाले वन उगते हैं। हिमालय की जो 1500 मीटर वाली ऊंचाई का क्षेत्र होता है वहाँ पर सदाबहार और पतझड़ वन पाए जाते हैं, और 1500 से लेकर 2500 के बीच का जो रेंज है, इस रेंज में, मतलब ये मीटर में नापा गया है, इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय जो चौड़ी पत्ती वाले वन है वो पाए जाते हैं। इसमें ओक का नाम आप ले सकते हैं, देवदार का नाम ले सकते हैं, कार्क का नाम ले सकते हैं, बर्च होता है और मैपल के वृक्ष होते हैं। आपने पीछे देखा है जब हम पूरे वन पारितंत्र का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो वनस्पतियाँ हैं और जो वन के प्रकार हैं उनमें विरलता आती जाती है, कमी आती जाती है, और जो पैटर्न विकसित होते हैं उन्हें एक एक करके हमने देखा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और कही गई थी कि एक ही अक्षांश रेखा पर, मतलब कोई एक अक्षांश है उसी पर अगर ऊंचाई में अंतर आता है, मतलब उच्चावच जो है वो परिवर्तित होता है, उसमें विविधता मिलती है, तो एक ही जगह पर, मतलब एक ही अक्षांश रेखा पर हमें सभी प्रकार के जंगलों के दर्शन हो जाएंगे। तो हिमालय वाले रीजन में ऐसा होता है क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है उसके बारे में आप जानते ही हैं, और कोई चीज़ ऊंची होगी तो उसका ढाल भी होगा, उसमें ढलान भी होगी, तो ढाल में कुछ दूसरे प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, तराई पर कुछ दूसरे ढंग की वनस्पतियाँ उगती हैं,
और जो ऊपर का शिखर होता है वहां पर दूसरे प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ हम कई तरह की विविधता देखते हैं, उसी में से ये शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन भी होते हैं। इसके बाद 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई, अब ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो इसमें जो है कोणधारी वन पाए जाते हैं जो कि शंकुधारी वन भी कहलाते हैं। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2500 से लेकर ये होनी चाहिए 4500 मीटर के बीच में। इस रेंज में जो वन उगते हैं वो कैसे हैं, ये है कोणधारी वन। अब कोणधारी वन का मतलब क्या, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, बर्फ का जमाव इन पर लंबे समय तक ना हो सके और वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसके लिए इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो इस आकार की पाई जाती हैं। इसमें अगर वृक्षों के प्रकार हम देखें तो फर का वृक्ष है, स्प्रूस का वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष है, सनोवर होता है और ब्लू पाइन के जो पेड़ होते हैं इनकी प्रधानता मिलती है। अब इससे भी ज़्यादा ऊपर चलते हैं, तो इससे भी ज़्यादा जब आप ऊपर चलेंगे तो 4500 से लेके 4800 मीटर की ऊंचाई आप देख लीजिए, मतलब 4500 से लेके 4800 मीटर की जो पूरी ऊंचाई है, इस ये मीटर में नापा गया है, याद रखिएगा किलोमीटर नहीं है, मीटर है। तो इस रेंज में जो वनस्पतियां उगती हैं वहां पर टुंड्रा बायोम पाया जाता है। टुंड्रा बायोम के बारे में आपने देखा, वो बंजर भूमि होती है, वहां कुछ ज़्यादा खास मात्रा में नहीं उगता, तो यहाँ पर टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ उगती हैं, मतलब बायोम जो है वैसा ही होता है। इन भागों में घास उगती है, कुछ विशेष प्रकार की घास, काइयाँ पैदा होती हैं और लीचेन उगती है। इसके बाद 4800 मीटर की जो ऊंचाई है, मतलब इससे ऊपर वाली जो ऊंचाई है, इससे भी ऊपर है, तो इससे ऊपर वाली जो ऊंचाई है यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है और ऊंचाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ हमेशा बर्फ होती है। अब यातायात के साधनों का यहाँ अभाव है और दुर्गमता है, दुर्गम इसलिए है क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है, तो यहाँ जाना आना इतना आसान नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों का अल्प विकास होने के कारण जो पर्वतीय वन है उनका उचित शोषण नहीं हो सका है। कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जो वन है उनके बारे में रिसर्च करना संभव नहीं हो सका है, तो बहुत ज़्यादा जो वनस्पतियों के प्रकार है उसका लोगों को ज्ञान नहीं है। हालांकि एवरेस्ट तक लोगों ने फतह किया है, ऊंचाई तक गए हैं, लेकिन रिसर्च करने के उद्देश्य से वहां तक जाना और उतने इंस्ट्रूमेंट साथ में ले जाना ये बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए वहां तक वनस्पतियों का विस्तार है भी या नहीं, कितना है, ये बहुत प्रामाणिक तौर पर किसी को पता नहीं। अब जो पर्वतीय वन है जिनके बारे में हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऊंचाई के साथ साथ इनकी जो श्रेणी और इनके जो प्रकार हैं उसमें विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। नीचे कुछ और प्रकार के वृक्ष उगते हैं और ऊपर जाने पर कुछ दूसरे ढंग के वृक्ष उग जाते हैं। इसके अलावा इसमें शीतोष्ण, कोणधारी, सदाबहार, ये सब वैरायटी पाई जाती है। सबसे नीचे सदाबहार पाए जाएंगे, बीच में शीतोष्ण पाए जाएंगे और सबसे ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे टुंड्रा बायोम, मतलब टुंड्रा बायोम पाया जाएगा। उसके बाद कोणधारी जो वृक्ष हैं उनकी उपस्थिति मिलेगी। इस प्रकार से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं इनमें विरलता आती है, कई प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब जो ये वन है इनमें दवा और जड़ी बूटी से संबंधित, वही बात है, जड़ी बूटी भी दवाई होती है, तो इसके लिए कच्चा माल मिलता है, मतलब औषधियाँ यहाँ पे जो औषधि युक्त वृक्ष हैं आयुर्वेद की दृष्टि से उपयोगी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए ये वन काफ़ी उपयोगी हैं, औषधीय महत्व इनका ज़्यादा है। ये हमने पर्वतीय वनों के बारे में देखा, अब चलते हैं आगे। अब हिमालयी प्रदेश में जो वन उगते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये हमने देखा, उनमें काफ़ी विविधता होती है, विभिन्नता पाई जाती है, नीचे कुछ और उगते हैं ऊपर की ओर कुछ और होते हैं, तो इनकी लकड़ियाँ भी बहुत विशेष होती हैं, हर लकड़ी की अपनी खासियत होती है। कुछ लकड़ियों को हम देख लेते हैं, जैसे कि श्वेत सनोबर जो होता है जिसे कि हम सिल्वर फर कहते हैं, यह जो वृक्ष होता है इसकी पत्ती नुकीली होती है और 2200 से लेकर 3000 मीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पे ये पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से झेलम तक और पूर्वी हिमालय में चित्राल से नेपाल तक मिलते हैं, इनका जो विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो सिल्वर फर के वृक्ष होते हैं जिन्हें कि श्वेत सनोवर कहा जाता है, ये मिलते कहाँ पे हैं, तो इनकी जो ऊंचाई है वो है 2200 से लेकर 3000 मीटर की। इनका जो रीजन है वो है पश्चिमी हिमालय में कश्मीर के झेलम से लेकर, झेलम नदी से लेकर, इनका जो विस्तार है वो पूर्वी हिमालय में चित्राल तक होता है और उसके बाद नेपाल तक ये फैले होते हैं। यह जो वृक्ष हैं ये 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं और 6 से 7 मीटर तक मोटे होते हैं, इनकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है और ऊंचाई भी एक अच्छी खासी होती है। अब इनके जो लकड़ी होती है, ये जो श्वेत सनोवर का वृक्ष है जिसका नाम सिल्वर फर होता है, इनकी लकड़ियों का उपयोग हल्की पेटियां बनाने में, इसके अलावा पैकिंग करने में, दिया सलाई बनाने में, जो माचिस होती है, मैच बॉक्स होता है, उसके निर्माण में और कागज़ की लुगदी बनाने में भी प्रयोग होता है। कागज़ की लुगदी भी इससे बनती है जिससे कि कागज़ तैयार होता है, तो कागज़ हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वनस्पतियों से आता है।
और जितना ज्यादा मात्रा में हम कागज की डिमांड बढ़ाएंगे, उसकी मांग बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा मात्रा में हम अपने पर्यावरण को नष्ट करेंगे। तो इसलिए इनका प्रयोग समझदारी से करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप देवदार को देख सकते हैं। देवदार का नाम आपने सुना होगा। यह जो वृक्ष है ये 30 मीटर से अधिक ऊंचा होता है और 6 से 10 मीटर तक मोटा होता है। वैसे ये काफ़ी ऊंचा होता है, 30 मीटर ही नहीं और भी इसकी ऊंचाई होती है। देवदार के वृक्ष काफ़ी ऊंचे पाए जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है, चंबा एक जिला है, इसके अलावा गढ़वाल के पश्चिम में और हिमालयी क्षेत्र जो हैं उनकी अलग अलग पहाड़ियों में मिलते हैं। ये समझ लीजिए कि संपूर्ण हिमालय में इनका विस्तार पाया जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कहीं थोड़े कम होते हैं। बस जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई बढ़ जाती है तब इनकी जो सघनता है वो कम हो जाती है, मतलब वहाँ ये नहीं पाए जाते। एक जो मध्यवर्ती भाग है उसमें ये मिलते हैं और ये मूल रूप से पहाड़ी पौधा ही है, वृक्ष है। इसकी ऊंचाई अच्छी खासी होती है और जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है, भूरे रंग की होती है, सुगंध होती है उसमें, खुशबू होती है, चंदन जितनी नहीं होती लेकिन फिर भी होती है, और ये काफ़ी टिकाऊ होती है। इसीलिए निर्माण कार्यों में जितना कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। और देवदार के वृक्ष से सुगंधित तेल भी निकाला जाता है, तेल निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। चीड़ के वृक्ष के बारे में आपने देखा होगा। चीड़ का वृक्ष यानी जिसे हम पाइन कहते हैं, ये नुकीली पत्ती वाला पौधा होता है और सदाबहार होता है। ये हमेशा इस पर बहार रहती है, यानी पत्तियाँ हरी रहती हैं और ये कभी गंजा नहीं होता। 1200 से लेकर 2100 मीटर की जो ऊंचाई होती है इसमें ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में फैला होता है। और हिमालय का जो उत्तरी ढाल है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 से 20 मीटर तक की होती है, यानी इसकी ऊंचाई देवदार की तुलना में कम होती है। ये कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंचा होता है। चीड़ का पेड़ भी अच्छा खासा ऊंचा होता है और जैसा आपने पीछे देखा इसकी जो लकड़ी है वो तैलीय होती है और पत्तियों में भी तेल पाया जाता है, मतलब हरे वृक्ष में भी आग लगाना आसान होता है। ये जलने का खतरा इनका ज़्यादा होता है। तो चीड़ के वृक्ष को हमने देख लिया। ये हिमालय प्रदेश में उगने वाले सभी वृक्ष हैं, सभी का जो जिक्र हो रहा है ये हिमालय वाले रीजन में उगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नीला पाइन को, यानी जो ब्लू पाइन होता है उसको। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं ये 1800 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर पैदा होते हैं। इनकी जो अवस्थिति है वो 1800 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये ऊंचाई है इनकी, मतलब यहाँ पर ये मिलते हैं। तो उत्तरी हिमाचल प्रदेश और जो पूरा महान हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर ये उगते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है वो 30 से लेकर 45 मीटर तक की होती है और तना भी काफ़ी अच्छा खासा मोटा होता है, 4 मीटर तक ये मोटा हो सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है, तने की मोटाई इस बात पर डिपेंड करती है कि वृक्ष जो है वो कितना उम्रदराज है, मतलब उसकी उम्र कितनी है। जैसे जैसे पौधे की या पेड़ की उम्र बढ़ती है उसके तने में जो मोटापा है वो बढ़ता जाता है, वो मोटा होता जाता है। आपने वार्षिक वलयों का नाम सुना होगा, तो वलय गिनकर किसी वृक्ष की उम्र पता लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक वलय बनते हैं। तो वलय बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो परत के एक के मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती जा रही है, तो इससे तना मोटा होता है। कोई पौधा आप लगाकर देखिए, जैसे आम का पौधा है, आप एक बीज रोप दीजिए आम का, जो गुठली होती है, तो उससे जो पौधा जमेगा उसका तना बिल्कुल छोटा सा पतला सा होगा, बिल्कुल कमज़ोर, आप उसे चाहे तो उखाड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। उसको 5 साल के लिए छोड़ दीजिए ज़मीन में रोप कर, देखभाल कर दीजिए और उसको डिस्टर्ब ना कीजिए, जब वो पेड़ बन जाएगा तब देखिए उसे तोड़कर। तो इसका मतलब क्या है कि जो तना है वो लगातार मोटा होता है जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इनका तना 1 से लेकर 4 मीटर तक मोटा हो सकता है, उम्र पर निर्भर करता है। अब इससे क्या क्या बनता है, तो साजो सामान के जो सामान होते हैं, मतलब सज्जा वाले जो सामान होते हैं वो इससे बनते हैं, बिरोजा तैयार होता है, तारपीन का तेल बनता है, इस तरह की चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। स्प्रूस के पेड़ को आप देखिए, तो 2100 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है, मतलब अवस्थिति के लिए जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 2100 से लेकर 3600 होती है, इस ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और ये सफ़ेद और कोमल वृक्ष होते हैं, मतलब इनका जो रंग है वो सफ़ेद होता है। उत्तर भारत में यह लकड़ी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। अब ये जो वृक्ष है ये 60 मीटर से भी ज़्यादा ऊँचा होता है, 60 मीटर से भी अधिक ऊँचाई का होता है और 6 से 9 मीटर तक मोटा होता है। इसकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा ये ऊंचा होता है उतना ही ज़्यादा मोटा भी होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ हिमालय में उगने वाले, हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों को देखा। वैसे ही मानसूनी वनों में भी वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी वन जो होते हैं वहाँ भी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें कुछ वृक्षों के नाम आप देख सकते हैं, जैसे टीक है, सागौन की बात करें, साल का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष होता है, सुंदरी का वृक्ष भी इसी में आता है, आबनूस का पेड़ होता है जिसे कि आप एबोनी कहते हैं। तो सागौन वाला जो वृक्ष है वो कहाँ कहाँ उगता है, उसका क्षेत्र आप जानते हैं। वैसे तो आप उत्तर भारत में भी उसे अच्छी खासी मात्रा में देखते हैं,
लोग लकड़ी मतलब इमारती लकड़ी के तौर पे उसे यूज करते हैं। ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले ढालों पर उगता है। इसके अलावा उड़ीसा में भी पाया जाता है और ये उग सकता है उत्तर भारत में भी। उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर इसको लगाया जाता है। आजकल लगाने का ज़्यादा फैशन है। जो किसान होते हैं वो अपने खेत के किनारे किनारे सागौन के वृक्ष लगा देते हैं। इनका जो औद्योगिक महत्व है वो ज़्यादा है। इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी दृढ़ होती है। दृढ़ का मतलब मजबूत होती है और ये सुंदर और टिकाऊ होते हैं। इससे रेलगाड़ी के डिब्बे में यूज किया जाता है। रेलगाड़ी में जो निर्माण सामग्री होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे बनते हैं और जहाज बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। अब देश में इस प्रकार के जो वन हैं उनका क्षेत्रफल लगभग 57,216 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा खासा क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल कितना है? ये है 57,216 वर्ग किलोमीटर। इतना इनका विस्तार है। ये तो बात हुई सागौन की। इसी तरह साल का वृक्ष है। तो साल का वृक्ष जो है ये हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर ये असम के जो नौगांव जिला है वहां तक पाया जाता है। मतलब तराई तक ये फैला हुआ है। जो ऊंचा वाला हिमालय का क्षेत्र है वहां से ये तराई वाले इलाके तक विस्तृत है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मिलता है कुछ इलाकों में। इसके अलावा उत्तरांचल, बिहार, असम, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में भी इनका विस्तार पाया जाता है। फैले हर जगह रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर इनका विस्तार ज़्यादा मिलता है। मतलब ये सघन रूप में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी भूरे रंग की होती है और काफ़ी कठोर और टिकाऊ होती है। अब जब मजबूत लकड़ी होगी तो इसका भी उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए, पेटियाँ बनाने के लिए, लकड़ी की जो पेटियाँ होती हैं, इसके अलावा रेल के डिब्बे में इस्तेमाल होता है, खंबे आदि बनाने के लिए, जितने भी मतलब फर्नीचर वाले काम है या औद्योगिक महत्व है उसमें इसका यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, टिकाऊ होती है। चंदन के जो वृक्ष होते हैं उनकी बात देख लीजिए। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाया जाता है। दक्षिण भारत का जो इलाका है कर्नाटक और तमिलनाडु, इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है। चंदन की भी लकड़ी काफ़ी कठोर होती है और ठोस भी होती है, सॉलिड होती है। इसका रंग पीला और भूरा होता है। इनसे तेज सुगंध आती है और इसी वजह से इनका जो मूल्य है और महत्व है दोनों ज़्यादा होता है। तो देखिए चंदन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो लाल चंदन होता है और दूसरा पीला चंदन होता है। कहीं कहीं सफ़ेद चंदन के जो तने वाले वृक्ष हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इनकी कई प्रजातियाँ होती हैं लेकिन अपने देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पीला वाला चंदन जो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। सुंदरी के वृक्षों के बारे में आपने पीछे सुन रखा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर उगते हैं। सुंदरवन का पूरा डेल्टा ही है। इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी काफ़ी कठोर होती हैं और नाव बनाने के लिए इनका बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। आबनूस के पौधे के बारे में भी आपने सुना है, हो सकता है देखा भी हो। इसकी लकड़ी बहुत काली होती है। आबनूस के जैसा काला, ये एक उपमा दी जाती है। तो आबनूस की लकड़ी बहुत ज़्यादा काली होती है लेकिन बहुत कठोर होती है, बहुत ज़्यादा दृढ़ होती है। ये पश्चिमी घाट के वनों और इसके अलावा असम में पाए जाते हैं। अधिकतर इनका जो प्रयोग है वो फर्नीचर और छड़ी बनाने के लिए, छतरियों के जो दस्ते होते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ मजबूती की ज़रूरत होती है वहाँ पर होता है और खुदाई के काम में भी यूज़ किया जाता है। खुदाई में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कड़ा होता है, इसकी कठोरता बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ जो आप इतनी देर से सारणी बनी हुई देख रहे हैं, ये टेबल आप देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, लगातार पीछे से आवाज़ आ रही है और सामने आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि कुछ फैक्ट इकट्ठे किए गए हैं। इस टेबल में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जो वनों के प्रकार हैं वो दिए हुए हैं, मतलब वन के जो टाइप है वो दिए हुए हैं। उसके बाद वर्षा की मात्रा वहाँ पर कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी वर्षा पर कौन सा जंगल उगेगा, ये दिया हुआ है। भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं ये दिया है, और प्रमुख वृक्ष और पौधे यहाँ पर कौन से हैं ये दिया है, और इनकी जो विशेषताएँ हैं वो सबसे लास्ट में दी हुई हैं। तो जिन चीज़ों को अभी आपने ओरल सुना है, मतलब मौखिक सुना है, उसे आप यहाँ पर लिखित देखेंगे। देखिए सदाबहार जो प्रकार है वनों का, इसमें वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा होती है, अब ये 400 सेंटीमीटर के आसपास तक हो सकती है लेकिन भारत में उतनी वर्षा होती नहीं है। इतनी ज़्यादा मात्रा में वर्षा कहाँ पर होती है? ये एकदम से जो विषुवत रेखा के आसपास वाले नज़दीकी इलाके होते हैं वहाँ पर होती है। फिर भी सदाबहार वनों के प्रकार भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो देख लीजिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहाँ मिलते हैं, पश्चिमी ढलान, दिशा याद रखिएगा। उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं यानी पूर्वोत्तर भारत है, ये चीज़ हम पीछे देख चुके हैं, वही चीज़ यहाँ फैक्ट में देख रहे हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इनका विस्तार मिलता है। वर्षा की मात्रा आप देख सकते हैं। और जो वृक्ष यहाँ उगते हैं वो कौन कौन से हैं? तो रोजवुड का वृक्ष है, महोगनी का वृक्ष है, एनी का वृक्ष है और एबोनी का वृक्ष है। मतलब इस तरह के आबनूस टाइप के जो पौधे होते हैं। इसमें रोजवुड का मतलब क्या है? मौलसिरी का पौधा, मौलसिरी का पेड़ आपने देखा होगा, ये उत्तर भारत में भी उगता है।
वैसे मूल रूप से ये सदाबहार वनों का वृक्ष है। ऐसा नहीं है कि जो सदाबहार वनों के वृक्ष हैं वो मैदानी इलाकों में नहीं उग सकते या सामान्य जमीन पर नहीं पैदा हो सकते, लेकिन उनका विकास उतना अच्छा नहीं होगा, उग तो जाएंगे ही, क्योंकि उत्तर भारत में भी अच्छी खासी वर्षा होती है और भारत के जो और इलाके हैं वहाँ भी वर्षा होती है, एकदम मरुस्थल को छोड़ दिया जाए तो उगेंगे ये हर जगह, लेकिन उतनी अच्छी इनकी जो वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। फिलहाल रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो उगते हैं, और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ जो फॉन्ट है, जो अक्षर का साइज़ है वो छोटा दिख रहा होगा आपको, तो मजबूरी है ये, मतलब यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा जूम नहीं किया जा सकता, हालांकि देख लीजिए, थोड़ा जूम करके भी देख लीजिए, देखिए दिख रहा है। रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी, एबोनी आबनूस को ही कहा जाता है, तो ये इस प्रकार के वृक्ष या पौधे यहाँ पर उगते हैं, ये सभी पेड़ का नाम है। और विशेषता क्या होती है, औसत वार्षिक जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये जो जंगल होते हैं सघन है, सघन क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो सदाबहार वन है उनके रेंज में आते हैं, तो सघन तो होंगे ही, कई परतों वाले होते हैं, कई स्तर इसमें पाए जाते हैं। अब पत्ते झड़ने और फूल आने, फल लगने का जो समय है वो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सारा प्रोसेस एक साथ होता है, इसी वजह से ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनमें ये विशेषता पाई जाती है। अब जो अगला प्रकार है उसको हम देख लेते हैं, तो देखिए अगला जो प्रकार है वो है अर्ध सदाबहार वनों का, जिनके प्रकारों को हमने जब चैंपियन और सेठ का जो वर्गीकरण था उसमें देखा था। तो ये जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं, इनमें सदाबहार वनों का गुण तो पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, तो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच की जो वर्षा की मात्रा है वो यहाँ मिलती है। सदाबहार वनों की अपेक्षा यहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, वर्षा की मात्रा क्या है, कम हो गई है एकाएक। पहले 250 से ज़्यादा वर्षा होती थी, अभी जो है 200 से लेकर 250 के बीच में वर्षा की मात्रा है। यहाँ पर साइडर, होलक और कैल जैसे वृक्ष उगते हैं, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इन्हें आप देख लीजिए। और सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के ये मिश्रित रूप होते हैं। इनमें जो मिश्रण होता है वो किन वनों का होता है, तो सदाबहार वनों का होता है और आर्द्र पर्णपाती वनों का भी मिश्रण पाया जाता है। ये मिश्रित होते हैं, इनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, ये बीच की कड़ी होते हैं, इसीलिए कहा गया है अर्ध सदाबहार, आधे सदाबहार होते हैं और आधे पर्णपाती होते हैं। आगे देखते हैं अगले वाले को, देखिए जब अर्ध सदाबहार की बात हुई तो इसके बाद आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच का होता है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा यहाँ पर होती है। और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। हिमालय का जो गिरिपद वाला क्षेत्र है, यानी पहाड़ी का जो तलहटी है, नीचे वाला इलाका है, वहाँ पर ये उगते हैं। पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढाल होती है, इससे पहले हमने देखा कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर जो सदाबहार वन थे वो उगते थे, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढाल है वहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है, और ओडिशा में भी हम इन्हें देख सकते हैं। इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सागौन का वृक्ष है, जिसे कि आप टीक का वृक्ष कहते हैं, यहाँ पर आप इसके क्षेत्रों को देख लीजिए, सागौन का वृक्ष है। साल का वृक्ष उसमें उगता है, शीशम है, हुर्रा है, इसके अलावा महुआ है, महुआ का पेड़ आपने देखा है, बड़ा ही छायादार और काफ़ी बड़ा होता है जब पुराना होता है, तो आजकल महुआ के वृक्षों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। जो देशज पेड़ थे भारत में, देशी रूप में उगने वाले मूल यहाँ की वनस्पतियाँ थी, वो कम होती जा रही हैं, और हम लोग बाहरी जो पेड़ हैं उन्हीं को लगा लेते हैं शोपीस के तौर पर, जो कि पर्यावरण के लिए उतने अनुकूल नहीं होते। पहले के जो वृक्ष थे, नीम, महुआ, इसके अलावा शीशम, बरगद और पीपल के वृक्ष, वो तेज़ी से अपने देश में कम होते जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है, और उसी का हम रोकथाम का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंवला, इसके अलावा सेमल का वृक्ष, सेमल जो है बड़ा कटीला होता है और लाल लाल फूल इस पे उगते हैं, और जब फूल फल में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा रुई निकलती है, रुई की बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा होती है, और रुई गर्मी में ऐसे आंधी की तरह उड़ती है जहाँ पे ये वृक्ष होते हैं, पूरा पट जाता है आसपास का इलाका। तो ये सेमल का पेड़ होता है, जब फूलता है तो बहुत ज़्यादा इस पे पक्षी और तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो मंडराने लगते हैं, फूल काफ़ी अच्छा होता है, लाल लाल एकदम। इसके अलावा कुसुम का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, ये सब पाए जाते हैं। अब हिमालय में यह काफ़ी, माफ कीजिएगा, जो भारत का क्षेत्र है उसमें ये काफ़ी बड़ी मात्रा में फैले होते हैं, पूरे भारत में इनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, बसंत का जो मौसम होता है और गर्मी का जो मौसम होता है, इसकी शुरुआत में ये कुछ महीनों के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, एकदम कंकाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ टहनियाँ ही बची हैं, यानी हड्डियाँ शेष हैं, इसमें से पत्तियाँ गायब हैं, लेकिन जब नई पत्तियाँ आती हैं तो ये उतने ही चमकदार दिखाई देते हैं, चमकते हैं। ऐसे ही अशोक का पेड़ भी होता है, अशोक का वृक्ष आपने देखा होगा, पतझड़ आता है तो पूरा पट जाता है, नीचे का जो जमीन है वो पूरा ढक जाती है पत्तियों से, लेकिन उसके बाद फूल भी आते हैं और पत्तियाँ भी आती हैं, फिर फल लगते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं। इसके बाद जो अगला मुख्य प्रकार है वो है शुष्क पर्णपाती वनों का,
ये शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इनमें जो वर्षा का औसत है वो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच का होता है। और इसमें जो क्षेत्र होते हैं कौन कौन से हैं, तो प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले जो भाग होते हैं इसमें, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदानी इलाका है वहाँ भी इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ या वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ये तो इनके क्षेत्र की बात हुई, इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं तो वो भी देख लीजिए। तेंदू का वृक्ष होता है, पलास का पेड़ होता है, पलास का पेड़ जो है उसके फूल बड़े अच्छे होते हैं, एकदम लाल लाल होते हैं, जब ये फूलता है तो लगता है कि वहाँ पर अंगारे निकल आए हैं, पेड़ों पर अंगारे उगे हुए हैं। लाल के अलावा और भी कलर के पलाश के वृक्ष होते हैं, मतलब इनके फूलों का रंग अलग अलग भी पाया जाता है। लाल पलाश ये आम बात है और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में या बिहार वाले इलाके में यही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके अलावा पीला पलाश भी होता है, वो कम होता है। अमलतास का पौधा होता है, अमलतास का पौधा भी आपने देखा होगा, बिल्कुल पीले पीले फूल होते हैं, वो भी गुच्छों में निकलते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे ही पीले पीले गुच्छे होते हैं इनके, और ऐसा लगता है कि पूरा जो पेड़ है वो सोने से लद गया है, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि सोने के सिक्कों से लदा हुआ है, क्योंकि फूल का डिज़ाइन गोल गोल होता है। इनकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे गुच्छों में पाए जाते हैं, ऐसे फूलों के गोल गोल पंखुड़ियाँ होती हैं और ये पूरी सुर्ख पीली होती है। इनका जो कलर है वो एकदम बढ़िया वाला येल्लो होता है और ऐसा लगता है कि सोना पूरे पेड़ पर लदा हुआ है, बहुत सारा सिक्का। तो इस प्रकार का होता है अमलतास। इसके अलावा बेल का पेड़ होता है, बेलपत्र शिव जी का पसंदीदा। इसके अलावा खैर है, खैर को खदिर भी कहा जाता है, और एक्सलवुड का पौधा होता है या पेड़ होता है। ये सब पाए जाते हैं कहाँ पर? ये पाए जाते हैं जो शुष्क पर्णपाती वनों का प्रकार है उसमें। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी है? 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की होती है। जिन क्षेत्रों में उगते हैं उसमें यूपी भी शामिल है और बिहार भी शामिल है। इसके अलावा प्रायद्वीपी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उगते हैं। यहाँ तक हमने देखा और इसके जो इनकी जो विशेषताएं हैं उसको देख लीजिए। शुष्क ऋतु प्रारंभ होने पर, शुष्क मतलब जब सूखा मौसम आता है, बरसात वाला मौसम खत्म हो जाता है, तो इनकी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं और घास के मैदान में ये जो पेड़ है ये नग्न खड़े रहते हैं, मतलब बिना पत्तियों के ही ऐसे खड़े रहते हैं। बाद में पत्तियाँ आती हैं तो फिर से ये फल फूल जाते हैं, लग जाते हैं। घास के मैदान इनमें पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो वितरण है वो विरल होता है। ये दूर दूर उगते हैं, बहुत ज़्यादा सघन नहीं होते। जो सदाबहार वन है उनकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा कम सघन होते हैं, तो घास के मैदानों की अवस्थिति यहाँ मिलती है। ये बात हुई, अब चलते हैं दूसरी वाली वेरायटी की ओर। तो दूसरी वाली वेरायटी कौन सी है? ये है कांटेदार वनों की, जहाँ खूब सारे कांटे मिलते हैं। और यहाँ जो वर्षा का प्रतिशत है, जैसा कि हमने पीछे देखा था, ये 50 सेंटीमीटर से भी कम का होता है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। अब ये क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो जो पश्चिमी भारत का इलाका है वहाँ पर मिलेंगे, दक्षिण पश्चिमी जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ, इसे आप देख रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं मिलते हैं, और यूपी के भी जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की वनस्पतियाँ हमें दिख जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उगते हैं कटीले वन, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वृक्ष कम होते हैं और ज़्यादातर झाड़ियों के रूप में होते हैं, हालांकि कुछ पेड़ ऊँचे भी होते हैं, जैसे बबूल हो गया। बबूल जो है ये ऊँचा होता है लेकिन बहुत कांटे होते हैं, आप उस पेड़ के नीचे नंगे पैर या चप्पल पहनकर भी अगर जाएंगे तो कांटा आपको धंसना तय है, अगर आप सावधान नहीं रहे तो। कांटे काफ़ी नुकीले होते हैं, वो जो स्लीपर होता है, जो जूते होते हैं, उनको भी छेदने में सक्षम होते हैं, बहुत खतरनाक होता है बबूल। हालांकि इसका भी औषधीय महत्व काफ़ी अच्छा होता है, दांतों के लिए इसकी लकड़ी की जो दांतुन होती है वो काफ़ी फायदेमंद होती है, बबूल वाले मंजन आपने देखे होंगे। फिलहाल तो बबूल का ही नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा बेर, खजूर, बेर का पेड़ आपने देखा होगा, बेर पेड़ तो नहीं होता, झाड़ी होती है, बहुत कटीली झाड़ी होती है, उसमें से फल तोड़ना बहुत टेढ़ा काम होता है। इसके अलावा खजूर में भी कांटे होते हैं। नीम का वृक्ष जो होता है ये कांटेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी जो है शुष्क इलाकों में, जो ऊसर परती वाली जमीन होती है उसमें उग जाता है। ये हर क्षेत्र में उगने में सक्षम होता है, लगभग समूचे भारत में इसको उगाया जा सकता है, जो बहुत ठंडे इलाके हैं उनको छोड़कर, लेकिन खास तौर पर ये इसी जलवायु का पौधा है। खेजड़ी का वृक्ष है। अब इनकी विशेषता क्या है? तो इन वनों के जो पौधे होते हैं वो पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। देखिए इसमें नीम को घुसा दिया गया है, तो नीम हमेशा बिना पत्ती का तो नहीं रहता, उसका एक खास मौसम में पतझड़ होता है, लेकिन उसमें भी इन वृक्षों के जैसे गुण पाए जाते हैं। गुण पाने का मतलब क्या है? कि इस जलवायु में ये आसानी से उगता है और ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब किस प्रकार की जलवायु की यहाँ बात हो रही है? तो ये बात हो रही है कांटेदार वनों की जो जलवायु है उसकी। हालांकि नीम का पेड़ मैदानी इलाकों में जहाँ वर्षा अच्छी होती है वहाँ भी पाया जाता है, और पत्तियाँ इसकी तब झड़ती नहीं है, वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसके बाद सवाना वाला जो क्षेत्र है उसको देख लीजिए। तो ये 40 से 60 सेंटीमीटर का जो औसत वर्षा का रेंज है उसमें पाए जाते हैं। इनकी जो विस्तृत अवस्था है वो कहाँ कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या? सूखे क्षेत्र।
वहां पर ये पाए जाते हैं। और सवाना टाइप मतलब क्या, सवाना का प्रकार का है, तो यहाँ पर लंबी घास पाई जाती है। सवाना मतलब लंबी घास वाले क्षेत्र होते हैं, लंबी लंबी घास उगती है। और ये कहाँ उगती है, तो उत्तर पश्चिमी भारत का जो शुष्क इलाका है, सूखा क्षेत्र है, वहां पर। विशेषता देख लेते हैं, तो देखिए कटीले वनों का ही ये निम्नीकृत रूप होते हैं, मतलब कटीले वन का ही और छोटा आकार आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर उन्हीं का प्रतिरूप देखने के लिए मिलता है, लेकिन छोटे साइज का होता है, उतना बड़ा नहीं होता। अंतिम जो प्रकार है उसको भी आप देख लीजिए, जो कि है टोटल मरुस्थलीय, एकदम से मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनकी बात हो रही है। अब ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, बहुत कम बारिश होती है। ये मतलब जो 40 सेंटीमीटर से कम की बात की गई है, ये न्यून मात्रा है। इतनी कम बारिश में एकदम शुष्क इलाका रहेगा, सूखा। तो ऐसा इलाका आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं ये सूखे बलुई इलाके हैं, तो यहाँ पर ये उगते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं, तो कैक्टस और नागफनी, इसके अलावा एकेसिया, इस प्रकार के वृक्ष उगते हैं। ये वृक्ष कम है, झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। कैक्टस की झाड़ियाँ होती हैं, नागफनी की भी झाड़ियाँ होती हैं। आप इनके पास से गुजरेंगे तो गारंटी है कि दो चार कांटे चुभ जाएंगे। हालांकि घर अपने अपने घरों में लोग शोपीस के तौर पर भी कैक्टस और नागफनी को उगाते हैं, लेकिन ये मूल रूप से किस जलवायु का है, तो ये मरुस्थलीय जलवायु का है। और जब आप इन्हें गमलों में लगाते हैं तो उसमें बालू डालते हैं, बिना रेत के ये नहीं उगेंगे, और ज़्यादा पानी दे दिए तो इनकी जड़ें जो हैं वो सड़ जाएंगी। तो ये कम पानी के लिए अनुकूलित होते हैं, कम पानी वाले पौधे होते हैं, इन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। इनकी विशेषता क्या है, पत्तियाँ लगभग कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, पत्तियाँ पाई ही नहीं जाती, तना होता है और उस पर ढेर सारे कांटे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं वो पौधों का जो अतिरिक्त जल होता है उसे वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन उसको हम कहते हैं, उसकी क्रिया द्वारा वायुमंडल में विलीन कर देती हैं, जलवाष्प बना देती हैं। अगर पत्तियां ही नहीं होंगी तो वाष्पीकरण सीमित होगा, कम मात्रा में होगा। इसलिए ये पौधे बहुत चालाक होते हैं, प्रकृति इन्हें एक हथियार दी रहती है, वो है कांटे। तो कांटे इनकी सुरक्षा भी करते हैं बाहरी जो मवेशी होते हैं उनसे, और इसके अलावा जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी दर को भी सीमित रखते हैं, कम रखते हैं। तो यहाँ तक हमने विस्तार से पूरा टेबल के माध्यम से भी देख लिया, मैप के जरिए भी देख लिया, और हम देख रहे थे भारत के जो वन हैं उनके प्रकार। ये पूरी टेबल थी। चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसकी प्रारंभिक वाले स्टेप में, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स होता है, उसमें ये पूछा गया था सन 2015 में। 2015 का ये क्वेश्चन है, बाद में जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी इसे रिपीट किया गया। प्रश्न आपके सामने है, दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में, कौन सा एक जंगल का पैटर्न है जिसमें कि सागौन की एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज के रूप में उगता है, मतलब विशेष रूप से ये किस वन प्रारूप में पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं सागौन की, सागौन का जो वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है ये बताना है। आपके सामने जो विकल्प है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वन, और घास स्थलयुक्त जो शीतोष्ण वन है वो। इन इलाकों का यहाँ नाम लिया गया है, इसमें से कहाँ ये पाया जाता है आपको बताना है। तो बताइएगा, ये 2015 की जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, ये उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन आज भी महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी बहुतायत आजकल होती जा रही है, ज़्यादा मात्रा में इसे इंक्लूड किया जा रहा है, घुसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के प्रति या उसके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता आए, और एक सिविल सेवक जो है, सिविल सेवा परीक्षाएं जो आप देते हैं उसके बाद आपकी जो भूमिका है वो एक प्रशासक की होती है। तो अगर एक प्रशासक ही पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सचेत नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तो वो अपने अंडर में आने वाली जो जनता है जिनका उसे देखभाल करना है, जिसकी उसे देख रेख करनी है, उन्हें कैसे संरक्षित रख पाएगा या जागरूक रख पाएगा। तो प्रकृति की देखभाल करना ये भी एक प्रशासक का कर्तव्य होता है, जैसे एक जिले का मालिक। तो चलते हैं आगे दोस्तों। अब आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या है, ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है या भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, जो कि 2019 का संस्करण है और अभी नवीनतम है, सबसे नया वाला है। ये 2 साल के अंतर पर प्रकाशित होती है, 2 साल के गैप पर ये प्रकाशित होती है। तो पिछली बार ये वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी, यानी पिछले साल, और अब ये अगले साल यानी वर्ष 2021 में प्रकाशित होगी। तो 2020 की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए यही उपयोगी है। ये 2 साल के अंतर पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है, इसीलिए इसको द्विवार्षिक कहा जाता है। इसे जारी कौन करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है वो इसे जारी करती है, और वो नहीं जारी करती बल्कि उसके अधीन एक भारतीय वन सर्वेक्षण नाम का संगठन है।
जो कि इस वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है। लेकिन उसके पीछे हाथ किसका होता है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का होता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है, इसको आप शॉर्टकट में ISFR 2019 भी कहते हैं। इसका जो संक्षिप्त नाम है वो ISFR 2019 है। ये काफी महत्वपूर्ण होती है, पर्यावरण के जब भी प्रश्न बनते हैं तो इससे प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और जब तक नई नई आती है तब तक इसी का महत्व है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम देखेंगे। और हाँ, एक बात और है कि ये 16वीं रिपोर्ट है। ये कब से प्रकाशित हो रही है? तो वर्ष 1987 से इसका जो प्रकाशन है वो लगातार भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और ये प्रकाशित होती है 2 साल के अंतर पर। ये 16वां संस्करण है जो इस बार प्रकाशित हुआ है। इसका मतलब 2021 में जो आएगी वो 17वां संस्करण होगा। और इसके लिए जो दूर संवेदी उपग्रह का इस्तेमाल किया गया, किसी भी वन संपदा का निरीक्षण करने के लिए नीचे से ही निरीक्षण पर्याप्त नहीं होता, तो इसलिए सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं और वो ऊपर से नज़ारा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। तो यहाँ पर एक दूर संवेदी उपग्रह का यूज़ किया गया था जिसका नाम था रिसोर्स सेट 2। इसके द्वारा जो आंकड़े भेजे गए उससे हमने इस रिपोर्ट को यहाँ पर देखा, मतलब उसका विस्तार इस रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं। और यहाँ पर हम चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण को भी देखेंगे जो कि भारतीय वनों के प्रकारों के संदर्भ में प्रासंगिक है। चैंपियन और सेठ का जो वर्गीकरण था वो क्या है? 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, हैरी जॉर्ज चैंपियन है, इन्होंने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और मान्य वर्गीकरण किया। इनका जो वर्गीकरण था वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और लोगों ने उसे माना। इनका पूरा नाम था हैरी जॉर्ज चैंपियन। और कब किया था ये? 1936 में किया था, 1936 में किया था। लेकिन यहाँ पे एक और नाम है सेठ का, तो सेठ कौन थे? ये एस के सेठ थे। तो फिर 1968 में, 1968 में, 1968 में चैंपियन और एस के सेठ, हैरी चैंपियन और एस के सेठ, इन दोनों ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे ही जो ये रिपोर्ट इन्होंने पहले ही दी थी उसको फिर से प्रकाशित किया, उसमें सुधार किए और संशोधन करके इस रिपोर्ट को, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, जिसमें वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था कि भारत में 16 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, उसका एक नया संस्करण प्रकाशित किया। तो ये बातें थी। अब ये जो रिपोर्ट है और इस पर जो विस्तृत चर्चा है वो हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। पूरी वन स्थिति रिपोर्ट वहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।